चहाचं कॅन्टीन व झेरॉक्स असलेलं दुकान मनपाच्या अतिक्रमण विभागानं तोडलं. हे दुकान अपंग व्यक्तीचं आहे. मनपाची परवानगी असतानाही हे दुकान तोडण्याचा आरोप होतोय. या संदर्भात गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. हनुमान नगर येथील रहिवासी अपंग आबिद खान दाऊद खानचं चहाचं कॅन्टीन व झेरॉक्सचं दुकान होतं. मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई करून अतिक्रमणातील हे दुकान तोडलं. ही एकतर्फी कारवाई असून या दुकानाला मनपाची परवानगी असतानाही अतिक्रमण हटवलं गेलं असा आरोप दुकानदाराचा आहे. शिवाय दुकान तोडताना दुकानदाराचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसानही झालं आहे. दुकानदार आबिद खान दाऊद खानने यासंबंधी गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. सर, मेरा नाम है आबिद खान दाऊद खान. ये मेरी दुकान हमने तोड़ के गया जयसवाल ने और गणेश उत्तर मारे ने. ये बेफजूल बिना नोटिस के तोड़ के गए सर. मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है सर. उन्होंने 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिए और मैं अपंग हूँ सर. मेरे को बहुत अत्याचार है. पुलिस वालों ने मेरे को सर दुकान में से निकाल के लूट दिए उत्तर मारे ने और गणेश ने. टाइम भी नहीं दिए सर मेरे को 5 मिनट. सर क्या बोलते हैं, मैं बिना अतिक्रम भी नहीं हूँ सर. मेरे पास जीआर के बल बूते पे हूँ सर. कोर्ट में हुए बाद मेरे को जयसवाल साहब ने नोटिस भी नहीं दिया और मेरे को लूटे भी और मारे भी. मैं अपंग हूँ, मेरे को कुछ नहीं कर, मेरे को उठा के फेंक दिया इधर. ये मैंने आमिर खान आबिद के लिए जगह मंगा था तो महानगर पालिका सेंट्रल गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से मैंने उनको अपील किया. उन्होंने मेरे बच्चे को जगह दिया और 10 साल हो गए जगह को. मैं 1700 रुपये साल भाड़ा भरता और टैक्स 1000 रुपये साल का भरता और मेरे बच्चे का. और वो दोनों पैसे अपंग है और उन्होंने ज़बरदस्ती बिना कोर्ट में दाखिल केस होने के बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पीछे मेरे बच्चे की दुकान तोड़ा, मारा, ठोका और पूरा कंप्यूटर वगैरह सब फोड़ दिया. उसका 1,00,000 रुपये का उसका नुकसान कर दिया अपंग बच्चे का.